पूज श्रमण संस्कृति उन्नायक संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय बोलिए परम पूज गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय जय बोलिए परम पूज मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय। जय जय सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधो शाश्वत तीर्थराज सम्मेत शिखर के इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसका कार्य तीव्र गति से चल रहा है। यहां मैं बात कर रहा हूं ज्ञान का एकमात्र अनूठा मंदिर गुणायतन की, जिसके माध्यम से आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के सम्यक्त्व का कारण बनेगा गुणायतन और न जाने कितने लोगों के भविष्य का निर्माता बनेगा गुणायतन। बंधो पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की ऐसी परिकल्पना जो पूरे जैन दर्शन ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक वरदान स्वरूप प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं। यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो बंधुओं आज ही अपना मोबाइल उठाएं जिनवाणी चैनल पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से, और जो लोग यहां उपस्थित हैं सभी से कहना चाहूंगा कि अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके साथ से पुण्य का आर्जन कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए, आने वाली पीढ़ियों को धन्य कीजिए। तो बंधुओं आप अवश्य जुड़िए गुणायतन से, जैसा कि आपको विदित है प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से दशलक्षण महापर्व चल रहा है। इन दिनों में विशेष शानधारा भी संपन्न हो रही है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आपके परिवार की ओर से शानधारा संपन्न हो तो उसमें भी आप अपना नाम हमें प्रेषित कर सकते हैं और आप अपनी ओर से शानधारा संपन्न करा सकते हैं। साथ ही बंधुओं जैसा कि आपको विदित है कि गुणायतन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है, हम सबका संकल्प है कि यह कार्य तीव्र गति से शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो ताकि पूरे विश्व इस क्षण का साक्षी बन सके। तो आइए बंधो आज जिन लोगों ने गुणायतन से जुड़कर के साथ ही पुण्य का अर्जन किया है उनके मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। निर्माण निधि सदस्य के रूप में जिन्होंने आज सदस्यता प्राप्त की है, झालावाड़ से श्री इंद्र कुमार जैन, श्रीमती इंद्रा पाटनी, न्यू दिल्ली से श्रीमती पूनम जैन, विपुल जैन, स्वर्गीय अनंत जैन सा परिवार, टीकमगढ़ से सवाई सिंघई गुणमाला जैन, श्री निर्मल कुमार जैन मस्तापुर वाले, बिलासपुर से श्री चंद्रभान श्रीमत सिंह, श्रीमती पुष्पा सिंह सा परिवार, उदयपुर से श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी सुंदरलाल सिंह भी, दीपक वर्षा देवांश सिंह भी सा परिवार, दमोह मध्य प्रदेश से कुमारी सुकृति जैन, श्री सुशील जैन सा परिवार, ललितपुर से श्री कोमल चंद जैन, श्री सम्यक जैन सा परिवार, जाखोरा ललितपुर से श्री सनत कुमार जैन, श्री आयुष जैन सा परिवार, जयपुर से श्री प्रेमचंद जैन, स्वर्गीय ललिता जैन, अंजू देवी जैन सा परिवार, जबलपुर से श्रीमती माया देवी जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती नेहा जैन सा परिवार, झालावाड़ से श्री सौरभ जैन, श्री पारस कुमार जैन, श्रीमती मीना जैन सा परिवार, आरोन से वीरेंद्र कुमार जैन, राजेश कुमार, संजय जी जैन सा परिवार का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। साथ ही जिन्होंने निर्माण निधि की सदस्यता प्राप्त की लेकिन 21,000 रुपए की जिन्होंने स्वीकृति प्रदान की है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठ सागर से श्री संतोष जैन, श्रीमती मीना जैन सा परिवार, बाराबंकी से श्री रतनलाल जैन, श्रीमती रत्नीबाई जैन सा परिवार, राजगढ़ से श्री शांतिलाल जैन, स्वर्गीय रूप श्री जैन, भविष्य नेहा, जयश्री, टीना, मनीष जैन सा परिवार, औरंगाबाद से श्री महावीर जी पाटनी, सौभाग्यवती आशा पाटनी, रिदम कुमार, पीयूष कुमार जी जैन सा परिवार, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। अब मैं निर्माण मित्र के नामों की घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने निर्माण मित्र के रूप में जुड़ करके अपने भाग्य को संजोया है। श्री राधे श्याम अग्रवाल, श्रीमती सुधा अग्रवाल जैन, तुमसर भंडारा हमारे बीच उपस्थित है। आइए निवेदन करूंगा गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और साथ ही उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन, या एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन आए शीघ्रता से आए। श्री राधे श्याम अग्रवाल, श्रीमती सुधा अग्रवाल, तुमसर भंडारा शीघ्रता से सम्मान की कड़ी को हम विराम देंगे, ज्यादा नाम है आज इसलिए शीघ्रता करें। निर्माण मित्र सदस्य के रूप में जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है द्वितीय मुंबई से, आइए सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन और सम्मान करेंगे श्री राधे श्याम अग्रवाल, श्रीमती सुधा अग्रवाल तुमसर भंडारा से। रश्मि आनंद जैन आनंद को आनंद राजकुमार मुंबई से,
निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं और साथ ही सौभाग्यवती मीना दिनेश उनवाने रूपाली संदीप उनवाने अनुष्का अनुज उनवाने आकोला एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। साथ ही निर्माण सारथी सदस्य के रूप में जिन्होंने आज सौभाग्य जागृत किया है निर्माण मित्र से निर्माण सारथी की सदस्यता ली है श्रीमती लक्ष्मी जैन श्री सुमत प्रकाश जैन न्यू दिल्ली एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। साथ ही जिन्होंने आज सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है ऐसे नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं कुमारी देशना सिंघई आ रहे हैं आइए सूत्रधार सदस्य के रूप में उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं वो आए और वो उनके सम्मान चरण वंदन गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनका सम्मान के लिए कुमारी देशना सिंघई श्रीमती अरुणा सिंघई श्री रविंद्र कुमार जी सिंघई आए और उनके सम्मान के बुलाना चाहूंगा श्री एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन शीघ्रता से आए कुमारी देशना सिंघई श्रीमती अरुणा सिंघई रविंद्र कुमार जैन सिंघई बंडा सागर से। द्वितीय सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है गुना मध्य प्रदेश से श्री बालचंद राजकुमार वीरेंद्र कुमार जैन सा परिवार आइए और इनके सम्मान के लिए श्री मनोज जैन जी कन्नौज से बुआएं और इनके श्रावक सृष्टि का सम्मान करें। कुमारी देशना सिंघई श्रीमती अरुणा सिंघई रविंद्र कुमार सिंघई बंडा सागर से आकुला से हैं आकुला से सौभाग्यवती मीना दिनेश उन्माने रूपाली संदीप उनावने अनुष्का अनुज उनावने आलू आकुला से हैं शीघ्रता करें कम लोग ही रहें और आइए। साथ ही सूत्रधार सदस्य कुमारी देशना सिंघई श्रीमती अरुणा सिंघई जी आइए रविंद्र कुमार सिंघई बंडा सागर से और इनके सम्मान के लिए डब्बू भैया डब्बू कासलीवाल जी आए शीघ्रता से सम्मान करें शीघ्रता से मंच खाली करते जाए सम्मान करते चले। बालचंद राजकुमार वीरेंद्र कुमार जी गुना से आइए और आपके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री सुरेंद्र जी गुवाहाटी से श्रोमणी संरक्षक हमारे बीच उपस्थित हैं वो भी आए और सम्मान करें जी। बालचंद राजकुमार वीरेंद्र कुमार जी गुना से हमारे बीच उपस्थित हैं मनोज जी कन्नौज से आइए मनोज भैया और डब्बू भैया आइए सम्मान करें और हमारे बीच में सम्मान ले रहे हैं श्री बालचंद राजकुमार वीरेंद्र कुमार जी गुना से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। आप हो गया सम्मान सम्मान हो गया क्या नाम है जी चलिए शीघ्रता से कुमारी देशना सिंघई श्रीमती अरुणा सिंघई श्री रविंद्र कुमार सिंघई बंडा सागर से और इनके सम्मान के लिए श्री सुरेंद्र जी गुवाहाटी से गुणायतन श्रोमणि संरक्षक आइए सम्मान करें एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। अगला नाम ले रहा हूं श्री महेंद्र जयश्री कुकू अजमेरा पूजा पीयूष ऋचा श्रेयान शिखा जैन भायंदर मुंबई से आइए हमारे बीच उपस्थित हैं महेंद्र जी अजमेरा साहब आए सपरिवार और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री अनिल जी अमिता जी जैन श्रोमणी संरक्षक गुणायतन दुर्गापुर से दुर्गा आइए महेंद्र जी अजमेरा शीघ्रता से आए। अगला नाम ले रहा हूं श्री महेंद्र श्री महावीर प्रसाद जैन श्रीमती सुधा जैन संजय निधि यश पोतिके जैन आगरा से वो भी आज सूत्रधार की सदस्यता उन्होंने प्राप्त की पर जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। आइए महेंद्र जी अजमेरा साहब का सम्मान कर रहे हैं श्री अनिल जी अमिता जी जैन और मनोज जी कन्नौज आ जाइए सम्मान करें। श्री महावीर प्रसाद जैन श्रीमती सुधा जैन संजय निधि यश पोतिके जैन आगरा से हमारे बीच उपस्थित हैं आएंगे और गुरु के गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें और साथ ही उनके सम्मान के लिए अखिलेश जी सतवैया टीकमगढ़ और साथ ही यतीन्द्र जी जैन चेन्नई बुआएं और इनका सम्मान करें। महावीर प्रसाद जैन श्रीमती सुधा संजय निधि यश पोतिके साथ ही जिन्होंने आज निर्माण निधि से सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है सुनील कुमार जैन श्रीमती सरता जैन सा परिवार गजरोला अमरोहा से वो भी आए और गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। निर्माण निधि से सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की सुनील कुमार जी श्रीमती सरता जैन सा परिवार
गजरोला अमरोहा से शीघ्रता से आए और गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करें, और उनके सम्मान के लिए श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, श्रीमती लता जी गुणायतन मंत्री वो आए और उनका सम्मान करें जिन्होंने आज निर्माण मित्र से सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है। श्रीमती निर्मला देवी कासलीवाल, श्री सिद्धार्थ शोभा कासलीवाल कानपुर से, आपको सुनाऊंगा जी, ये सुनील कुमार जी सरिता जैन सापुर गजरोला अमरोहा सम्मान कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए निर्माण मित्र से सूत्रधार श्रीमती निर्मला देवी कासलीवाल, श्री सिद्धार्थ शोभा कासलीवाल कानपुर, और उनके सम्मान के लिए शकुन दीदी सागर और साथ ही राजेश जी विनायका वो आए और उनका सम्मान करें। साथ ही जिन्होंने आज निर्माण साथी से सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है, श्रीमती सुनंदा बाई, हीरा चंद गोधा, श्री विपिन जैन, अनुभव सिद्धि, पार्श जैन औरंगाबाद महाराष्ट्र से, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए, आइए। और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री राजेश जी सेठी, राजेश जी सेठी आएंगे और सम्मान प्राप्त करेंगे सरिया से। निर्माण सारथी से सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है श्रीमती सुनंदा बाई, हीराचंद गोदा, श्री विपिन जैन, अनुभव सिद्धि, पार्श जैन औरंगाबाद से, शीघ्रता से आए। और अब मैं एक ऐसे नाम की उद्घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने आज संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ करके साथी से पुण्य कार्यजन किया है, श्रीमती वीणा देवी पाटनी। जी, जिनका मैंने नाम लिया था अभी, सारथी से सूत्रधार बने हैं श्रीमती सुनंदा बाई, हीराचंद गोधा, श्री विपिन जैन, अनुभव सिद्धि, पार्श जैन औरंगाबाद महाराष्ट्र से, अंजल वनवानी से, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए, अंजल वनवानी से हैं। उन्होंने पूरा नाम नहीं लिखा है ना। आइए, अब मैं नामक एक ऐसा नाम ले रहा हूं जिन्होंने आज संस्थापक सदस्य की सदस्यता प्राप्त की है और अपने आप को धन्य किया है, श्रीमती वीणा देवी पाटनी धर्मपत्नी स्वर्गीय धूली चंद जैन, श्री वरुण, पूजा, अमित जी, पूनम जैन सूरत से, जिनके जमाई डब्बू जी कासली वाले, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए, आइए। मैं निवेदन करूंगा आए और गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा बड़े ही सम्मान के साथ श्री नरेंद्र जी सेठी साहब, राजेश जी विनायका साहब, अन्नू अजमेरा जी, एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन वो आए और गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें, और नरेश भाई जी सूरत वो भी आए और उनका सम्मान हो रहा है, एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। और आप भी बंधु इस प्रकार से गुणायतन से जुड़िए। मैं पुनः कहूंगा, उत्तम त्याग धर्म आने वाला है, मात्र एक दिन शेष है, तो अपने भावों को बनाइए और अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ लगाने का प्रयास कीजिए, ताकि आप और आने वाली पीढ़ी भी गर्व के साथ कह सके कि हमारा गुणायतन। इसलिए पुनः निवेदन करूंगा, देखिए सम्मान हो रहा है श्रीमती वीणा देवी पाटनी धर्मपत्नी स्वर्गीय धूली चंद जैन, श्री वरुण, पूजा, अमित, पूनम जैन सूरत, और जमाई जो है डब्बू कासलीवाल, डब्बू भैया जो हमारे इस शिविर के संयोजक भी हैं, वो सभी सम्मान कर रहे हैं, नरेंद्र जी सेठी, राजेश जी विनायका, अन्नू जी अजमेरा और नरेश भाई जी सूरत, वो सम्मान कर रहे हैं, आइए। साथ ही अब मैं जिन्होंने निर्माण दान में अपना सहयोग प्रदान किया है, विशाल वीरेन जैन गोरेगांव से 10 ग्राम सोना जिन्होंने स्वीकृति प्रदान की, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। 21,000 रुपए की राशि दादाबाड़ी कोटा से निर्माण दान सदस्य के रूप में निर्माण दान जिन्होंने दिया है, महावीर प्रसाद जी साहब की पुण्य स्मृति में, श्रीमती सुशीला जी, विनोद जी, रेखा जी, संजय जी, सीमा जी, नमन जी, आर्यन जी, मानस जी साहब सा परिवार, 11,111 रुपए की राशि जिन्होंने निर्माण दान में दी, छोटूलाल बसंतलाल जी जैन सा परिवार कुसुम्बा से, 11,000 रुपए की राशि अहमदाबाद से श्रीमती अलका कमलेश जी जैन, श्रीमती सुधा सूर्यकांत जी जैन सा परिवार, और साथ ही 11,000 रुपए की राशि स्वर्गीय प्रकाश चंद जैन, श्रीमती मंजू जैन दुर्गापुरा जयपुर से, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। साथ ही एक नाम अभी निर्माण निधि का आया है, वीरेंद्र कुमार, राजेश जी, संजय जी जैन आरोन वाले, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। आइए बंधु, अब बिना किसी विलंब के सीधे सीधे आपको इस कड़ी से जोड़ते हैं संघ का समाधान के विशेष सत्र के संचालन
और आगे के संचालन के लिए बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा आदरणीय अशोक भैया जी। आइएगा बंधुओं, शंका समाधान के इस सत्र से हम आपके लिए जोड़े, उसके पूर्व हम प्रातःकालीन बेला में अभिषेक शांतिधारा गुणायतन के मूल नायक चंदप्रभु भगवान की संपन्न हुई। यहां श्रावक संस्कार शिविर में भी अभिषेक और शांतिधारा संपन्न हुई और प्रातःकाल एक छोटी सी अपील पर लोगों ने अपने मन बनाया और इस गुणायतन के मूल नायक चंदप्रभु भगवान के लिए अतिशयकारी प्राचीनतम चंदप्रभु भगवान के महामस्तकाभिषेक के लिए उन्होंने अपने परिवार की ओर से स्वर्ण कलश यहां पर प्रदान किए हो गए हैं। हम उन सौभाग्यशाली परिवारों के लिए यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे पहले कोलकाता से जो श्रावक संस्कार शिविर में आपको संगीत की स्वर लहरियों के साथ भी भक्ति में रमा रहे हैं, ऐसे कोलकाता से श्रीमती रीता जी, श्री मुन्नालाल जी पहाड़िया, पीयूष जी, नमिता जी, रिद्धिम जी पहाड़िया परिवार कोलकाता, आपकी जोरदार कलतल होने के बीच सीखता से पधारे। और यह जो स्वर्ण कलश है, यह स्वर्ण कलश वे यहां पर जो भी पदाधिकारी हैं उनके लिए समर्पित करेंगे पूज्य श्री के श्री चरणों के समक्ष ही, और इसको लेने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं बहुत सम्मान से श्री सुभाष जी जैन जो गुणायतन के सीईओ हैं और श्री एनएल जैन साहब जो गुणायतन के कोषाध्यक्ष हैं, दोनों पधारे और ग्रहण करेंगे। हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती रीता मुन्ना लाल जी पहाड़िया, इन्होंने आज गुणायतन के लिए दो स्वर्ण कलश एक साथ प्रदान किए हुए हैं, जोरदार कर्ता ध्वनि से आ जाए सुभाष जी। और तीसरा कलश भी इनके परिवार ने ही प्रदान किया हुआ है, श्री शांतिलाल जी, गुणमाला देवी, दीपक कुमार, ज्योति चिराग सम्यक पहाड़िया कोलकाता, अनिल जी मीता मन, नित्या पाटोजी कोलकाता, बसंत जी श्वेता समीक्षा, गीतांशी बैद किशनगढ़, किरण शुभम नेहा छाबड़ा कोलकाता, ममता कमल जी पापड़ीवाल रांची, राजेश जी रश्मि छाबड़ा कोलकाता, और इनके इन परिवार एक बार पास में आ जाए। इस परिवार की ओर से तीन सोने के कलश गुणायतन के लिए प्रदान किए गए, आपकी तालियां इतने बड़े उदार मना के लिए। इसके बाद हम आमंत्रित कर रहे हैं सागर से जिन्होंने सागर से जिन्होंने एक स्वर्ण कलश प्रदान किया हुआ है आज, श्री अशोक कुमार जी, रमेश जी, कमल जी, सुधीर कुमार जी जैन परिवार सागर, आप तो यहीं खड़े हैं एनएलएन साहब, यहीं पर हैं एनएलएन साहब और सुभाष जी यहीं पर रहे। सागर से श्री अशोक कुमार जी, रमेश जी, कमल जी, सुधीर कुमार जी जैन परिवार, चले जब तक वो यहां पहुंच रहे हैं तब तक, अच्छा आपको तो यहां आना है ठीक है। जयपुर से हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष भी हैं और आज उन्होंने भी एक स्वर्ण कलश प्रदान किया हुआ है गुणायतन के लिए, मैं बहुत सम्मान के साथ में आमंत्रित कर रहा हूं माजी के लिए श्राविका वृति श्राविका सप्तम प्रथमाधारी धनपत्नी श्री नंदलाल जी जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन जयपुर से, और उनके संपूर्ण परिवार विवेक जी, विनोद जी, हाँ संपूर्ण परिवार के लिए, माँ यहां है बैठी है नहीं है चलेगा, हाँ तो आप ही ले लें और सुभाष जी को दे दे, ये भी ठीक काम, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में एक स्वर्ण कलश ऑनलाइन जिसकी घोषणा की गई थी। संरक्षक हैं गुणायतन के श्री प्रमोद जी भारल्य की बेटी और उनकी बेटी भी गुणायतन की ट्रस्टी हैं, संस्थापक सदस्य हैं स्वाति शकर सरिया भारल मवान डिया से हैं, उन्होंने एक स्वर्ण कलश प्रदान किया है, जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका भी सम्मान करें। श्रीमती लक्ष्मी जैन हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री मयंक जैन लखनऊ से हमारे बीच हैं और ये गुणायतन के सूत्रधार के रूप में भी हैं, साथ ही साथ इन्होंने चातुर्मास के एक मंगल कलश को स्थापित करने का भी पावन सौभाग्य प्राप्त किया हुआ था, पधारे श्री मयंक जैन लखनऊ से। एक इकतीस वाले जो सिद्धार्थ गोदान का भी सम्मान छोड़ दें, एक इकतीस वाले कोई सिद्धार्थ गोदा लंदन चलिए, आप सुभाष जी और एनएल जैन साहब भी सम्मान करेंगे और इसके साथ ही इसको छोड़ दें। आइएगा बंधुओं, देश और दुनिया के सभी लोग
पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और सभी लोग महाराज श्री के मंगल आशीर्वाद की प्रतीक्षा में हैं। हम दोनों हाथों को जोड़ते हैं, नमोस्तु, निवेदित करते हैं, आपके लिए भी आशीष मिलेगा और उन सबके लिए भी आशीष मिलेगा। हे महाराज श्री, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। और इसके साथ ही प्रथम प्रश्न के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री मयंक जैन, लखनऊ। जाओ जल्दी, सीखता से माइक दे दें। श्री मयंक जैन लखनऊ, और आपके बाद तैयार रहेंगे रीता मुन्ना जी पहाड़िया कोलकाता। हाँ, कोई बात नहीं, जाओ। हाँ, सीखता से वहीं खड़े हो जाओ सभी लोग। माइक चालू करो, बोवाले ले लो, नहीं आवाज नहीं आ रही। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज जी, धर्म अभ्युदय और निश्रेयस दोनों सुखों को देने वाला है, तो भी अधिकांश जीव धर्म नहीं करते और ना समझना चाहते हैं। बहुतायत जो धर्म करते हैं वो छोटे छोटे सांसारिक प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए धर्म करते हैं, जबकि परमार्थिक प्रयोजन से धर्म करने से अभ्युदय सुख की तो प्राप्ति होती है, निश्चय सुख भी प्राप्त होगा और जीव को मुक्ति भी मिलेगी। मैंने आपसे चारों युगों का सार पढ़ा था और उस समय मैं काफ़ी व्यसनी था और 105 किलो मेरा वजन था। मेरे मन में भाव आया कि 6 महीने आदिनाथ भगवान ने उपवास किया तो मैं एक आसन क्यों नहीं कर सकता, और 6 महीने मैंने एक टाइम प्लेन डोसा खाया और मेरा वजन 1.5 महीने बाद ही बिना जिम करे बिना कुछ करे 105 से 75 हो गया, और तब से अब मैं ऐसा ही हूँ। और जब मुझे इतना सुख मिल रहा है तो मुझे देख के दर्द होता है कि लोग क्यों दुख में पड़े हुए हैं। अगर परमार्थिक प्रयोजन से, मैंने कोई रूप की चाह में ऐसा नहीं किया था, सिर्फ भगवान को पहचाना और भगवान की भक्ति में हो गया, भक्ति सुंदर शरीर हम आप बोलते हैं, हो गया, तो ऐसे बाकी लोग क्यों नहीं करते, क्यों वो सांसारिक प्रयोजनों में फंस जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही है मयंक ने, 105 किलो से 75 किलो हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये साधना का सुफल है। इन्होंने कहा प्लेन डोसा खाया और वो भी एक टाइम, कितने, 4? हाँ, वो 2-3-4 खा लेते थे, बस प्लेन डोसा बस, और बस उससे अपना काम किया। दरअसल मनुष्य जब तक अपने जीवन के प्रति जागरूक नहीं होता तब तक उसके जीवन में कोई उपलब्धियां नहीं हो सकती। लोग पारंपरिक होकर धर्म करते हैं जबकि मनुष्य को मौलिकता के साथ धर्म करना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं पारंपरिक नहीं, हमें मौलिक बनना। हम संस्कारवश धर्म कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन संस्कारों के साथ यदि अपनी चेतना को जगा ले तो सोने में सुगंध वाली बात होगी। जिसे अपनी आत्मा का बोध होता है वही निःश्रेयस और अभ्युदय के भेद को जानता है, बाकी तो लोग गतानुगतिक है, चले जा रहे अपने ढर्रे में। बदलाव चाहिए। एक बात मैं जरूर कहूंगा, अगर लोग अपनी जीवन शैली में बदलाव ले आए तो उनके सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, बशर्ते वो जैन जीवन शैली लाए। अगर शुरू से अपनाए तो वजन बढ़े ही नहीं, सब कुछ नियंत्रित होगा। बहुत सुंदर। श्रीमती रीता मुन्ना जी पारिया कोलकाता से हैं, आपके बाद तैयार रहेंगे अनिल अमिता जी दुर्गापुर, श्रोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आज तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में बैठ के कुछ विचार मेरे मन में ऐसा प्रश्न उठा महाराज श्री कि हे गुरुदेव, मंदिर परिसर में हम सब शांति से पूजा पाठ सामायिक करने के लिए जाते हैं, किंतु मंदिर में माइक से या ऊंची आवाज में बोलने से उपयोग आवाज की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, जिनके कारण ये विघ्न होता है उनके कौन से कर्म का बंद होता है, उन्हें आप क्या संदेश देंगे जिससे व्यवस्था ठीक हो जाए। दूसरा क्वेश्चन महाराज उसी विषय में है कि मंदिर जी में सामूहिक द्रव्य धुलता है और कई लोग थाली भर भर के सामग्री चढ़ाते हैं, जब वर्ष के शेष में लोग दान लिखाते हैं तो जो द्रव्य चढ़ाते हैं तो उनका 2% भी मंदिर में नहीं चढ़ाते, तो उनके कौन से कर्म का बंध होगा। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। जहां तक पहला सवाल है, सामूहिक रूप से अगर आयोजन हो, गीत संगीत से हो, तो लोगों को उसका आनंद लेना चाहिए।
और लोगों को अपने पूजा पाठ को उसी सामूहिक कार्यक्रम के अनुरूप ढाल लेना चाहिए। जिन लोगों को सामूहिक पूजा में आनंद नहीं आता उन्हें अपना शेड्यूल चेंज कर लेना चाहिए। नहीं महाराज जी, प्रतिदिन की बात बोल रहा, प्रतिदिन की आ रहा आ रहा। तो जिनको सामूहिक पूजा में मन नहीं लगता वो अपना शेड्यूल चेंज कर ले। ये तो हुआ नैमित्तिक पूजन का। अगर किसी मंदिर में नित्य भी सामूहिक पूजा होती है, माने सामूहिक का मतलब पूरा समूह करता है, दो चार की टोली का नाम नहीं, ग्रुप में, कई जगह मंदिरों में ऐसा हमने देखा है कि लोग समूह में पूजा करते हैं, तो जहां सामूहिक रूप से लोग पूजन करते हैं उनका एक टाइम शेड्यूल है, उसमें वे ही लोग जाए उस समय पूजा करने के लिए जो इनको सामूहिक में रुचि है, और जिनका अगर उपयोग भटकता है वो टाइम टाल करके जाए। लेकिन पूजा करने वाले दो लोग हैं केवल, वो ही अपने राग अलाप रहे और माइक खोल खोल करके बोल रहे हैं और दूसरे को व्यवधान आ रहा है, तो ये उचित नहीं। उनको चाहिए कि ना वो माइक लगाए न ज्यादा ऊंचे स्वर में बोले, क्योंकि आपके इस तरह के व्यवधान से सामने वाले की पूजा में मन भंग होगा तो तीव्र अंतराय कर्म का बंद होगा। किसी किसी व्यक्ति को अकेले में भी ऊंचे स्वर में गा बजाकर पूजन करने में आनंद आता है। आई मैं एक स्थान पर था, वहां एक सज्जन, जब मैं आहार करके आता तो मंदिर में पूजा करते थे बहुत मधुर स्वरों में, और प्रायः सप्ताह में उनकी एक नई पूजा बनती, खुद रचित स्वरचित पूजा, और उनकी पूजा में इतना लय रहता। गोटे गांव की बात है, वहां एक बमोरिया जी थे, अच्छी बात में नाम ले लेने में अच्छा है। तो कई कई बार जब मैं आहार करके लौटता तो लोगों को चुप करके उनकी पूजा सुनता था, ये पूजा में भाव और आनंद। मैंने एक दिन उससे पूछा, आप इतना लेट पूजा क्यों करते? बोले महाराज, मैं अपने और भगवान के बीच में किसी का व्यवधान नहीं चाहता। अरे महाराज जी, मुझे गाए बजाए बिना मन नहीं लगता, और मैं अगर ऐसे आकर के गाऊं बजाऊं तो लोगों को डिस्टर्ब होता है, और महाराज मैं अपने उद्गारों से पूजा करता हूं, मुझे बहुत आनंद आता है। 10 बजे मैं मंदिर आता हूं तब केवल मैं रहता हूं और भगवान रहते हैं, और मैं अपनी पूजा तब करता हूं, और महाराज जी अब पूजा करके घर जाऊंगा ना तब मुंह में पानी डालूंगा। ये है पूजा का एक तरीका। किसी को व्यवधान न हो ऐसा भाव तो रखना ही चाहिए। दूसरा, मंदिर में द्रव्य सामग्री चढ़ाने का सबसे उत्तम तो यह है कि आप अपने घर से अपना द्रव्य ले जाएं, उसे खुद अपने हाथों से सोधे बिने, ताकि जीव हिंसा से बच सके। अब सुविधा की दृष्टि से लोगों ने सामूहिक व्यवस्था बना ली, ठीक है, द्रव चलाओ, भर भर थाली चलाओ, तो भर भर झोली लगा, थाली तो ऐसे चला रहे हो, तो तुम देख रहे हो मंदिर में पूजन कर रहे हो, द्रव चढ़ा रहे हो, देख इतना रहे हो। मैं आप लोगों को एक इकोनॉमिक एनालिसिस करके बताता हूं, और आप थोड़ा देख लेना कि आप क्या कर रहे हो। जिस मंदिर में नित्य आप पूजन करते हैं, 1 से 1.5 घंटे उस मंदिर में रहते हैं, सारा पुण्योपार्जन आपके खाते में होता है, 1.5 घंटे तक उस मंदिर के उपकरण का प्रयोग, उसकी जगह का प्रयोग, उसकी बिजली पंखे का प्रयोग आप कर रहे हैं, और द्रव्य सामग्री का प्रयोग, यहाँ तक कि कपड़ों का भी प्रयोग, इनका किराया कितना होगा भाई साहब? आप हिसाब लगा लीजिए। लोगों को सोचने की बात है, मैं आपके केवल सोचने के लिए कह रहा हूं, भगवान को उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप सोचिए, यदि किसी दूसरे स्थान पर आप इतने संसाधनों का प्रयोग करोगे तो कितनी लागत आएगी? 100 रुपया रोज तो जेन्युइन होगा, कम से कम और कोलकाता जैसी जगह में मिनिमम 200 रुपए मिनिमम।
अरे हम चलो थोड़ी रियायत कर दे, 100 रुपया भी अगर रखते हो तो 3000 रुपया महीना होता है। साल के 36000 रुपया महीना तुम मंदिर को देते हो क्या? बोलो, इसका मतलब आप मंदिर का निजी हित में उपभोग कर रहे हो। सोचो, 200 रुपया गुटखा खा के थूकने को तैयार हो, पर 100 रुपया मंदिर के गुल्लक में डालने को राजी क्यों नहीं? अपनी वैचारिक दरिद्रता को हटाइए, तभी जीवन में आगे बढ़िएगा। ये आपको मैं सबको दे रहा हूं, आज से सोच लेना, यहां जो दोगे ना वही तुम्हें ऊपर उठाएगा। जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। इसलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, आप लोगों से, मंदिर की कमेटियों को ऐसी बाध्यता नहीं बनानी चाहिए, लेकिन आप भगवान के सामने जाओ, गरीब बनकर कभी मत जाना। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, भगवान के समक्ष कभी गरीब बनकर मत जाना, भगवान के चरणों में उनका भक्त बनकर के जाना। और भक्त के पास धन हो ना हो, हृदय होता है, अपना हृदय अर्पित कर दो, सर्वस्व अर्पित कर दो। जब अर्पण करने की बात हो तो यह नहीं देखना कि भगवान मेरी शक्ति नहीं है, शक्ति कुछ नहीं करती और भक्ति सब कुछ करती है। मैं भक्ति की शक्ति से ही आगे बढ़ूंगा, इतना तो मेरा कर्तव्य है, मुझे देना ही चाहिए। कहां है आपकी सोच? जब अभी पर्यूषण पर्व में पानड़ी लिखी जाती है ना, लोगों की पानड़ी, पानड़ी बोलते हैं, एक हिसाब होता है कि लिस्ट बन जाती है समाज की, कौन कितना दे रहा है, इधर पानड़ी बोलते हैं, व्रत भंडार बोलते हैं एमपी में, और कुछ जगह लाग बोलते हैं, मंदिर की लाग है ना, और बुंदेलखंड में ललितपुर तरफ बंधान बोलते हैं, है ना, बंधान बोलते हैं, तो अलग अलग चीज है। अब वो जब लिखाएंगे 500 रुपया लिख लो, 1000 दे दिए तो छाती फुला लेंगे। क्या मानसिकता है तुम्हारी, बात समझ रहे हो? जिनके दरबार से तुम सब कुछ पा रहे हो, वहां देने में कंजूस बनोगे तो जिंदगी भर दरिद्र ही बने रहोगे। उदार बनो, उदारता ही सबसे बड़ी समृद्धि है, मुझे विश्वास है आप लोग इस पर ध्यान देंगे। नमोस्तु गुरुदेव। अनिल अमिता जी दुर्गापुर, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। महाराज श्री नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। महाराज जी मेरी शंका यह है, जैसा हमारी मिसेज 10 लक्षण करती है, पहले 52 गज में भी करे, अब यहाँ भी कर रही है, तो क्या इसका भी कुछ पुण्य मुझको भी मिलेगा क्या? अभी तक तो ये सवाल आता था पत्नियों की ओर से, सुनो ध्यान से, अभी तक सवाल आता था पत्नियों की तरफ से कि हमारे पतिदेव दान करते हैं तो उसका पुण्य कुछ हमको भी मिलेगा क्या? ये सवाल अक्सर आता है, हर महिला पूछती है, घर की आर्थिक व्यवस्था पुरुषों के हाथ में ही प्राय है, तो हमारे पति दान करते हैं तो उसका पुण्य हमको मिलेगा क्या? आज सवाल आया है, मेरी पत्नी व्रत कर रही है, उसका पुण्य मुझे मिलेगा क्या? तो देखो भाई, अब उत्तर तो मुझे संतुलित करके ही देना पड़ेगा। जो उत्तर मैंने पत्नियों के प्रश्न में दिया, वैसा ही उत्तर पतियों के प्रश्न में दूंगा। क्या दिया था? कि जब कहा गया कि पति दान कर रहा है तो पत्नी को पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जब ऐसा सवाल किया तो हमने कहा ये बताओ, पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है? बोले होती है। दूसरा, हमारे संविधान के मुताबिक पति की कुल संपत्ति पर पत्नी का हक है कि नहीं? है ना, आधा है। तब जब पत्नी की उस संपत्ति पर पत्नी का भी हक है
तू अकेले पति की संपत्ति तो हुई नहीं, नहीं हुई तो जब वो पत्नी का उसमें शेयर है तो पत्नी का पुण्य में भी शेयर होगा, उसमें क्या संशय है? बशर्ते पति दान करे और पत्नी नाच उठे। क्या बोला? पति दान करे और पत्नी हर्ष से नाच उठे, तब पति दान करे और पत्नी मुंह फुलाए तो पाप और बांध ले। समझ गए? अब इसी बात को आपके साथ जोड़ता हूं, आपकी धर्म पत्नी उपवास कर रही है, आपका मन हर्षित है कि नहीं? हर्षित है जी। आप उनको सहयोग कर रहे हो कि नहीं? कर रहा हूं। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उपवास करके दुबली हो जाओगी, मुझे सोना सेवा करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं लग रहा है? नहीं है ना? तो आपका अनुमोदन आपको पुण्य दिलाएगा। एक बात आप सबके लिए कहता हूं, धर्म कार्य में कभी किसी के लिए अवरोध उत्पन्न मत करना, जितना बने अनुमोदना करना, रोकना नहीं। रोकोगे तो रुके रह जाओगे और बढ़ोगे तभी बढ़ा पाओगे। बहुत अच्छा सवाल है, आपके माध्यम से कईयों की शंका का समाधान हो गया। लेकिन एक बात बताता हूं, इस उत्तर को सुनकर तुम लोग प्रमादी मत बन जाना, बोले महाराज आपने अच्छा फार्मूला दे दिया, ऐसे ही व्रत उपवास में पीछे रहते थे पुरुषों में, ज्यादातर साल में एक अनंत चौदश को कर लिया तो बहुत बड़ा तीर मार लिया। अरे आपने कहा तो अब घरवाली करती है तो हमारा घर अपने आप भरता रहेगा, हमको क्या होगा ध्यान रखना? हाँ मैं बोल रहा था, सुनो, प्रमादी मत बनना। व्रत तप संयम त्याग धर्म जो कुछ भी करो, दूसरों की अनुमोदना करो और स्वयं के स्तर पर जितना बन सके उत्कृष्ट करो, छिपाओ मत। और एक सलाह और देता हूं, अगर पत्नी धर्म करे ना तो उससे प्रेरित होकर तुम भी धर्म करना शुरू कर लो। नहीं ठीक है, नियम ऐसा देना ठीक नहीं, वो तन के हिसाब से है, ये तुम जैसे जवानों के लिए दे सकता था। समझ गए? लेकिन अवस्था देख के बात की जाती है, पर एक जनरल बात मैं कह रहा हूं, पत्नी अगर धर्म कर रही है तो तुम उससे प्रेरणा लेकर धर्म करो। इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं, क्योंकि वो अपने पति को धर्म में लगाती है। बात समझ में आ रही है? आई कि नहीं आई? आ गई ना? बस इसी तरह ध्यान रखिए। चलिए, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, मंत्री गुणायतन और ट्रस्टी, इसके बाद तैयार रहेंगे सम्यक जैन पिपरी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कहा जाता है कि समय पर पिए गए कड़वे घूट भी, समय पर पिए गए कड़वे घूट भी अक्सर जिंदगी मीठी बना दिया करते हैं, तो वह कैसे? बहुत अच्छा सवाल, जिनका भी ये वाक है बहुत ही बोधप्रद वाक है, समय पर पिए गए कड़वे घूट भी पूरी जिंदगी को मीठा बना सकती है। हम लोगों ने एक कहानी सुनी है कि शिव शंकर ने जहर पिया था वो शंकर बने, जिसने जहर पिया वो शंकर बना, मीरा ने जहर पिया वो मीरा बन गई। समझ गए? कड़वे घूट भी अच्छे होते हैं, जैसे किसी को मलेरिया है, तीव्र ज्वर है और उसको चिरायता का काढ़ा पिला दो तो उसका फल मीठा होगा कि नहीं होगा? होगा ना? इसी तरह है, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो उसे सहज भाव से स्वीकार लो, उसकी कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया मत करो, फल निश्चित मीठा होगा। क्योंकि बुखार के लिए तो कड़वी दवा पीनी ही पड़ती है। समझ गए? इसलिए इसको ध्यान रखना। पर आजकल लोगों की आदत बदल गई, सब शुगर कोटेड गोली खाने के आदि हो गए। हो सके शुगर कोटेड तो ले लो, लेकिन जो काम काढ़ा का है वो काम तो काढ़ा ही करेगा। इसलिए
कल भी घूट लेने में कोई संकोच करने की जरूरत नहीं। सम्यक जैन पिपरई, और आपके बाद तैयार रहेंगे हर्षा जैन पिंडरई। गुरुवर के चरणों में पिपरई दिगंबर जैन समाज की समस्त ब्रह्मचारी बहनों का, मेरे माता पिता का एवं समस्त टाटा परिवार का बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न आज तत्वार सूत की दोपहर की क्लास से है, उसमें मिथ्या क्रिया के बारे में आपने बताया था। गुरुवर, हमें देखने में आ रहा है कि आजकल लोग बाग भटक रहे हैं, जहां जाते हैं वहीं अपना सिर झुका देते हैं। अगर गाड़ी पर चलते हैं तो सम्मान में हॉर्न बजाकर चलते हैं, अगर कुछ उनके साथ गलत क्रियाएं होती हैं तो कहते हैं कि हमने ऐसा कार्य नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया। और गुरुवर, लोग बाग अपने सिर को 10 रुपए वाला नारियल समझते हैं, चाहे जहां वहां झुका देते हैं, और अगर हम समझाते हैं तो वो हमारे लिए ऑर्थोडॉक्स कहकर टाल देते हैं। तो गुरुवर, क्या लोग बागों के देव धर्म और गुरु परिस्थिति के हिसाब से बदल जाते हैं क्या? समाधान की देखिए, जो जीवन के मर्म को समझता है उसका धर्म स्थिर होता है, जो मर्म को नहीं जानता वो लुढ़कना लूटा होता है, चाहे जहां चाहे जब जैसा कर ले। सबसे पहली बात, हम किसे पूजे ये तो बात की बात है, क्यों पूजे ये पहली बात है। जब तक हम अपने जीवन के मूलभूत मकसद को नहीं समझते तब तक जीवन में बदलाव घटित नहीं हो सकता। तो हमें चाहिए कि हम अपने मकसद को समझें, उद्देश्य को समझें। ज्यादातर लोग भय और लोभ से ग्रसित होकर धर्म करते हैं, ऐसे ही करते हैं आजकल। और जो लोग भय और लोभ से भरी मानसिकता के साथ धर्म करेंगे वे अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकेंगे। हम यथार्थ को पहचाने और लोगों तक यथार्थ पहुँचाएं, तभी इस तरह के अंधविश्वासों से हम मुक्ति पा सकें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हर्षा जैन पिंडरई, आपके बाद में तैयार रहेंगे अन्नू अजमेरा, और आपके साथ डब्बू कासलीवाल, नरेंद्र जी सेठी और राजेश बिनायका। बोलो। मुनीर राय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, व्यक्ति जिंदगी को तो पूरा कर लेता है पर अपनी जीवन के कामों या आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, ऐसा क्यों? होना तो ऐसा चाहिए कि काम पहले पूरा हो, क्योंकि मौत किसी का इंतजार नहीं करती। कृपया मार्गदर्शन करें। जिंदगी पूरी हो जाती है, काम अधूरे रहते हैं, ऐसा क्यों? काम पूरे होने चाहिए, जिंदगी पूरे हो या ना हो, है ना जी? मैं ये कहता हूँ काम पूरे हो सकते हैं बशर्ते कामना कम हो जाए। मनुष्य के मन की कामनाएं इतनी प्रबल होते जाती है कि वह दिन दुनी रात चौगनी बढ़ते जाती है। तो हम कामना से मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश करें, अपनी आकांक्षाओं पर नियंत्रण लाएं, तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। अन्नू अजमेरा जी प्रश्न पूछेंगे, साथ में डब्बू जी कासलीवाल, नरेंद्र जी सेठी और राजेश जी विनायका। बंधु, आप सभी को ज्ञात है पर्वराज परिषण पर्व चल रहा है, आज छठवा दिन है और आने वाले एक दिन के बाद त्याग धर्म आ रहा है। सबसे सर्वोत्कृष्ट दान देने का जो कोई भी दिवस होता है वह त्याग धर्म कहलाता है। आप सभी लोग पूज्य महाराज श्री की मंगल देशना का सौभाग्य तो प्राप्त कर ही रहे हैं, गुणायतन के बारे में भी आप सुन रहे हैं, आपने देखा भी है। सम्मेश शिखर तीर्थराज पर आपका आना होता ही है, सिद्धों की इस पावन भूमि पर आपका आना होता है। गुणायतन एक ऐसा जिनाला यहां पर तैयार हो रहा है, एक ऐसा उपक्रम है जो विश्व कीर्तिमान के रूप में स्थापित होने के लिए जा रहा है। आने वाले त्याग धर्म पर आप गुणायतन से जुड़िएगा, किसी भी रूप में जुड़िएगा। सर्वोत्कृष्ट दान अगर आप दे सकते हैं तो दीजिएगा, लेकिन किसी न किसी रूप में आप गुणायतन से अवश्य जुड़िएगा। ऑनलाइन भी आप अपनी स्वीकृतियां प्रदान कर सकते हैं, पारस चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल के माध्यम से, आप प्रामाणिक ऐप पर, आपकी टीवी स्क्रीन पर मोबाइल नंबर चल रहे हैं, आप उन मोबाइल नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी स्वीकृतियां उन्हें प्रदान कर सकते हैं और त्याग धर्म पर आपके परिवार की ओर से यहां पर उन स्वीकृतियों की घोषणा की जाएगी। साथ ही आप जब यहां महाराज श्री को सुनते हैं तो आपका चेहरा देखकर कैसा लगता है कि ये सारी चीजें आपके लिए हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो भी बताया जा रहा है वो आप स्मरण करके जीवन भर अपने साथ रख सकते हैं। इसलिए अगर पूज्य महाराज श्री की संपूर्ण मंगल वाणी को, चाहे वो शंका समाधान की हो, चाहे प्रातः काल के प्रवचन की हो, जो महाराज श्री चार बिंदुओं पर देते हैं, चार बातें कहते हैं और उनसे अपना पूरा प्रवचन आपके लिए प्रदान करते हैं, तो ऐसा पूज्य महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य यहां से बाहर स्टॉल पर उपलब्ध है। जो अभी
आधी कीमत पर आपके लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है 50% डिस्काउंट पर, और आज यह साहित्य आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं यतीन्द्र जी जैन परिवार चेन्नई से। अपनी चंचला लक्ष्मी का एक बार आ जाए महर्षि के श्री चरणों में नमोस्तु भी निवेदित कर लें। आज प्रातः काल से इनकी ओर से आपके लिए पूज्य महाराष्ट्री का संपूर्ण साहित्य आधी कीमत पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसलिए जो भी लोग यहां पर आए हुए हैं, अगर आप शिखर जी से घर पहुंचते हैं, परिवार में पहुंचते हैं और इष्ट मित्र आपसे पूछते हैं, परिवार वाले पूछते हैं कि आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर के आए हैं, तो आप कहना पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी की ये कृति हम आपके लिए गिफ्ट में लेकर के आए हैं, जो आपके जीवन के कल्याण पथ पर आपके लिए सहयोगी बनेगी। आइए बंधुओं, हम श्री अनु जी अजमेरा, डब्बू कासलीवाल, नरेंद्र जी सेट्टी, राजेश जी बिनायका, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती आशा जैन गुड़गांव। नमस्ते गुरुवर। महाराज, ये देखा गया है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति पहाड़ के ऊपर या पेड़ के नीचे ही होती है, तो इसके पीछे क्या विशेषता है? देखिए, बहुत ही बड़ी बात है। हमने तीर्थंकरों के चरित्र को पढ़ा, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने दीक्षा भी वृक्षों के नीचे ली और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति भी वृक्षों के नीचे हुई। अभी जब समेत शिखर के बिहार के क्रम पर मैं सतना पहुंचा, सतना की गौशाला में एक तीर्थंकर वन है, हमने ही उसके लिए प्रेरित किया था और मैंने अपना एक प्रवचन उसी वन में एक पेड़ के नीचे बैठ कर दिया, बट वृक्ष के नीचे, और उस दिन मेरा पूरा प्रवचन वृक्ष पर हुआ था। जिन लोगों को वृक्ष के महात्म को समझना है, मेरे ख्याल से फरवरी माह का वो प्रवचन होगा, आप प्रमाणिक ऐप से उसे सुन सकते हैं विस्तार से। अभी हम बहुत संक्षेप में आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, इसकी बड़ी वैज्ञानिकता है। एक तो इसके पीछे आध्यात्मिक कारण है, वृक्ष सहनशीलता का प्रतीक होता है, सहिष्णुता का प्रतीक होता है, वृक्ष संघर्ष का प्रतीक होता है, वृक्ष प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने का प्रतीक होता है, वृक्ष सरलता का प्रतीक होता है। वृक्ष की का जन्म ही संघर्ष से होता है, जब बीज मिटता है, मिट्टी से संघर्ष करता है तब उगता है, सूर्य का दर्शन करता है, उसमें कोपले फूटती है और फिर धीरे 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 वो पेड़ बढ़ता है। संघर्ष के बिना जीवन का उत्कर्ष नहीं है। दूसरी बात, वृक्ष सहिष्णुता का प्रतीक है, सर्दी गर्मी की बाधाओं को सहता है, प्रतिकार रहित सहता है, फिर भी खुद धूप में रहकर हमें छाया प्रदान करता है, जो विश्व की तरह वृक्ष की तरह अपने जीवन में आकर सब प्रकार की बाधाओं को सहिष्णु बन करके सहता है, वही साधना में सफल हो पाता है। वृक्ष सब प्रकार की प्रतिकूलताओं को सहते हुए सकारात्मक प्रतिवाद करता है, पत्थर मारने वाले को भी मीठा फल प्रदान करता है, ऐसी क्षमा की जो मूर्ति होती है वही सच्चे साधक होते हैं। वृक्ष के अंदर ये सारे गुण हैं, संभवतः इसीलिए तीर्थंकर भगवंत वृक्षों के नीचे दीक्षा लेते हैं और वृक्षों के नीचे ही उन्हें केवल ज्ञान होता है। वृक्ष से ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा को लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन छोड़ते, ये तो हम लोग सुनते ही, फिर कॉस्मिक एनर्जी वृक्षों के नीचे बहुत होती है,
वो हमें अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो साधना के लिए जो कुछ चाहिए वह सब वृक्षों से मिल सकता है। मैं आपका उत्तर पूरा दूं तो बाकी लोग नाराज होंगे, रोज आजकल विलंब हो ही रहा है, इसलिए पुनः मैं कहूंगा जिन्हें उसके बारे में पूरा जानना है, पूरा 45 मिनट का प्रवचन है केवल वृक्ष पर और वृक्ष के नीचे बैठ करके, आप लोग जरूर सुने। उसके पीछे का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और विश्व में वृक्षों को लेकर जितने प्रयोग हुए हैं उनमें से मैंने कई बातों को उल्लेख किया है। आज मैं यहीं पर इसे रोकता हूं, फिर कभी अवसर मिले तो विस्तार से चर्चा करूंगा। नमस्ते। श्रीमती आशा जैन गुड़गांव, आपके बाद तैयार रहेंगे शुभम जैन बांदकपुर। बंधु, हम आपके लिए बतला दें, जैसे कि मेरे पास अभी सूचना आई है कि पूज्य महाराज श्री के अभी जो वर्तमान में उपलब्ध हैं 26 पुस्तकों का पूरा सेट भी आप वहां से ले सकते हैं, पूरा सेट तैयार है और यह 2500 रुपए से भी ज्यादा कीमत का है, लेकिन आज आपके लिए अभी जो व्यवस्था देगी मात्र 1100 रुपए में आपके लिए महाराज श्री की 26 पुस्तकों का पूरा सेट उपलब्ध कराया जा रहा है। तो जिसमें सामकालीन शंका समाधान की भी पुस्तकें हैं, प्रातःकालीन प्रवचन की भी हैं और महाराज श्री के जैन दर्शन आदि पर लिखी हुई साहित्य भी है, वो संपूर्ण साहित्य 26 पुस्तकों का जो पूरा सेट है आज आपके लिए मात्र 1100 रुपए में पूरा सेट उपलब्ध कराया जा रहा है। श्रीमती आशा जैन गुड़गांव, मेरे और मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, परसों मैं यहाँ भोजनशाला में खाना खाने गई थी तो वहाँ मेरे सामने एक पर्चा लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि एक बाल मजदूर ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब ऐसी कोई दवाई दे दो जिससे भूख ही ना लगे। एक बाल मजदूर ने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दे दो जिससे भूख ही ना लगे, इसका अर्थ क्या हुआ? गुरुदेव समाधान करें। बहुत अच्छी बात है। देखिए, भूख एक वेदना है, भूख लगने पर भोजन का मिलना अच्छी बात है, पर यह वेदना का प्रतिकार है। तो डॉक्टर, भूख ठीक से लगे ऐसी दवाई तो बहुत है, भूख ही न लगे ऐसी दवाई दे ताकि हम क्षुधा रोग से हमेशा के लिए निवृत्त हो जाए और भगवत्ता के रास्ते पर चल जाए। आगे शुभम जैन बांदकपुर, आगे तैयार रहेंगे रेणु भूषण जैन पिंडरी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। प्रमाणिक समूह और बानकपुर जैन समाज की तरफ से आपके चरणों में सादर नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। मैं अभी रिसेंटली प्रमाणिक समूह से जुड़ा हूँ एज अ वॉलंटियर, और गुरुदेव कृपया आशीर्वाद दीजिए कि कृपया अपनी सेवाएं दे सकूं और धर्म प्रभावना में सहायक बन सकूं। मेरा प्रश्न है, डिसीजन कैसे लें और डिसीजन लेने का सही वे क्या है जिससे हमें दुख ना हो आगे कि ये हमने डिसीजन गलत लिया? देखिए, बहुत अच्छा। पहले तो तुम्हारे और तुम्हारे माध्यम से मैं पूरे प्रमाणिक समूह के सभी सदस्यों का आशीर्वाद देता हूँ। बहुत लगन से एक समूह काम कर रहा है और इनसे जैन धर्म की प्रभावना हो रही। मैं प्रमाणिक समूह के सभी कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद देता हूँ और आप सबसे कहता हूँ एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। आज भी वे धर्म प्रभावना के लिए बहुत लगे हुए हैं। आपने पूछा है डिसीजन कैसे लें, और वह भी तब जब हमसे अतीत में गलत डिसीजन हो गए हों। मैं आप सबसे कहता हूँ जब कभी भी डिसीजन लेना हो तो डिसीजन लेते समय सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भरे, मन में दुविधा को हावी मत होने दें, आत्मविश्वास से भरे और निर्णय ले लें। और दुविधा मन में आती है तो व्यक्ति कभी सही डिसीजन नहीं ले पाता, और आत्मविश्वास अगर गड़बड़ाता हो तो उस घड़ी में अपने इष्ट को याद कर ले, उन्हें हृदय में विराजमान कर ले और उनका स्मरण करके, मैं तो कहता नौवा नवकार मन पढ़ लो, गुरु को याद कर लो, डिसीजन ले लो और देखो क्या होता है। 10 डिसीजन लेना और उसकी समीक्षा करके देखना, पाओगे 10 में से 6 तुम्हारे सही निकल गए, यानी 60% सही, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होगा और आगे इसे ठीक कर सकोगे। नमस्ते। रेणु भूषण जैन पिंडरी, और इसके बाद किरण शुभम नेहा जैन छावड़ा कोलकाता, हाँ वो यहाँ पर हैं, कलश उनका है, वो नहीं आ पाई थी उस समय, यहाँ पहुंच जाएंगी। व्रति नगरी पिंडरे के समस्त भक्तगण और मेरे परिवार की ओर से गुरु चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर,
प्रतिभा स्थली में बच्चियों को 12th तक शिक्षा प्रदान की जाती है। क्या? प्रतिभा स्थली में बच्चियों को 12th तक शिक्षा प्रदान की जाती है। जिस उम्र में उन्हें सबसे ज्यादा सुसंगति और संस्कार की आवश्यकता होती है उस उम्र में उसे अदर स्टडी के लिए दूसरे हॉस्टल में रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में माता पिता और बच्चियों का क्या कर्तव्य होना चाहिए जो अपने संस्कारों को जीवित रखते हुए प्रतिभा स्थली के नाम को गौरवान्वित कर सके। मैं मानता हूँ जिसका फाउंडेशन अच्छा है उसका भवन भी अच्छा होता है। 12वीं तक की पढ़ाई में अगर उसने संस्कार पा लिया, अपने फाउंडेशन को मजबूत बना लिए, तो दुनिया में कहीं भी चले जाए वे अपने नाम का गौरव बढ़ाएंगी घटाएंगे नहीं। मेरी बेटी आशीर्वाद। किरण शुभम नेहा जी छाबड़ा कोलकाता, अरिहंत अजमेरा, हाँ बड़वानी बाबन गजा, हाँ पहुंच जाओ वहीं पर ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएं और एनएलएन साहब शीघ्रता से आ जाएं, समय इतना ही है। हाँ इन्होंने भी एक स्वर्ण कलश प्रदान किया हुआ है और वो यहाँ पर पदाधिकारियों के लिए प्रदान कर रही हैं। अरिहंत अजमेरा बड़वानी बाबनगजा।